वही ग्वालियर जिले में लोकसभा चुनाव के तहत मंगलवार को होने वाली मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके तहत ही जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर रुचिका चौहान ने रविवार शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि मंगलवार सुबह 6:30 पर स्ट्रांग रूम का दरवाजा खोल दिया जाएगा और इसके बाद मतगणना स्थल पर ईवीएम को ले जाया जाएगा। इसके बाद सबसे पहले पोस्टल बैलेट पेपर की गिनती होगी, जिनकी संख्या लगभग 6,500 है। वही मतगणना स्थल की सुरक्षा को लेकर उन्होंने कहा कि मतगणना में शामिल कर्मचारियों और सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों को उनके आइडेंटिटी कार्ड को ही देखकर प्रवेश कराया जाएगा। करीब 1,000 पुलिसकर्मी मतगणना के दौरान स्थानीय लक्ष्मीबाई स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय यानी MLB कॉलेज में उपस्थित रहेंगे। इसी कड़ी में उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक ठाक चला तो शाम 4 बजे तक ग्वालियर संसदीय क्षेत्र का परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के निर्देश अनुसार ग्वालियर संसदीय लोकसभा क्षेत्र के मतगणना के लिए 4 तारीख को MLB कॉलेज में 8 बजे हम लोग मतगणना प्रारंभ करेंगे। 6:30 बजे हम अपने EVM के स्ट्रांग रूम को खोलेंगे और उसी के साथ ही हमारे काउंटिंग एजेंट्स और काउंटिंग की पूरी टीम का MLB में प्रवेश प्रारंभ होगा। ये प्रवेश सभी लोगों का विद ID कार्ड्स होगा, यानी अधिकृत लोग ही अंदर आने के लिए परमिटेड रहेंगे। इन लोगों के पास में मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कोई कैलकुलेटर्स इत्यादि की परमिशन नहीं रहेगी। जो निर्धारित आई कार्ड अपना लाएंगे उनको बड़ी स्मूथली अंदर हम लोग अपने उनके कक्षों तक पहुंचाएंगे और 8 बजे जो विधिवत समय है उसमें काउंटिंग प्रारंभ की जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगभग 1,000 पुलिसकर्मी अलग अलग ड्यूटीज़ में ऑफिसर्स और सभी लोग पोस्टेड रहेंगे और इस पूरी व्यवस्था का जो डिसिप्लिन है उसको मेंटेन करेंगे। कक्षों में जो 8 बजे हमारी स्टार्ट होगी तो हमारे विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में चक्र अनुसार अलग अलग स्थिति बन रही है। तो हमारे 3 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें 13 चक्रों में रिजल्ट EVM का हम लोग अनाउंस कर पाएंगे और कोहरी और करैना में चूंकि मतदान केंद्रों की जो संख्या है वो अधिक है तो वहाँ पर जो चक्र संख्या है वो 19 और 20 आ रही है। तो इसको देखते हुए ये लगता है कि हम जो हमारा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का रिजल्ट है वो हम तभी अनाउंस कर पाएंगे जब कोहरी और करेरा का रिजल्ट भी हमको चक्रवार मिल जाएगा। ये सारा अनाउंसमेंट जो इलेक्शन कमीशन के ऑब्जर्वर्स आते हैं उनकी हस्ताक्षर लेने के बाद में किया जाता है और पोस्टल बैलेट की काउंटिंग भी साथ ही 8 बजे प्रारंभ होगी। ये एक सेंट्रलाइज कक्ष में होगी पूरे 6 विधानसभा क्षेत्रों के लिए और कोहरी और करेरा के लिए जितने भी पोस्टल बैलेट हैं वो एक कक्ष में काउंट होंगे जहां हम लोग स्वयं उपस्थित रहेंगे। ये अगर हम अभी संख्या देखें तो लगभग 6,500 पोस्टल बैलेट्स हैं जो ज़िले में उस दिन संभावित है काउंट किया जाना यहाँ पर MLB कॉलेज में। और कल जैसा कि आप कहोगे 4 जून जो अपना चुनाव का कल डिसीजन होना है और यहाँ पर 2 प्रत्याशी हैं, कांग्रेस से हैं प्रवीण पाठक जी और BJP से हैं भारत सिंह कुशवाहा, जिनकी किस्मत का कल फैसला होगा जो EVM में बंद है। तो ये कल सुबह मतदान सुबह 7 बजे चालू हो जाएगा मतगणना। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो प्रशासन द्वारा कलेक्टर द्वारा यहाँ पर जिला निर्वाचन आयोग द्वारा जो सुरक्षा के इंतजाम किए गए तो मैं आपको यहाँ पर पूरा दिखाऊंगा। जगह जगह पर यहाँ पर EVM CC कैमरे लगाए गए, यहाँ पर तरह तरह बैरिकेड लगाए गए और जगह जगह पानी की व्यवस्था की गई यहाँ पर। और कलेक्टर महोदय जैसे बताया गया कि 1,000 पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात हैं कि किसी तरह से कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो। तो मैं आपको पीछे दिखा सकता हूँ कि ये पूरा ये MLB कॉलेज है जिसके स्ट्रॉन्ग रूम इसके अंदर बना हुआ है और जगह उधर भी स्ट्रॉन्ग रूम बना हुआ है वहाँ पर। ये पूरा मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पर, ये सीधे सुरक्षा के पूरे इंतजाम है यहाँ पर। और MLB ये कॉलेज है, इसके अंदर सारी सुरक्षा व्यवस्था है और जगह जगह प्रशासन अधिकारी यहाँ पर तैनात हैं। ये दिखा सकते हैं इनकी ड्यूटी लगा दी गई है। और यहाँ मैं इस समय भीषण गर्मी है जैसा कि जान रहे थे, आप देख सकते हैं पूरे इंतजाम किए गए। ये शासकीय कर्मचारी बैठने की यहाँ व्यवस्था की गई है, या महिला पुरुष या प्रस्थान ये सब व्यवस्था की गई, आप मेरे संग देख सकते हैं यहाँ पर। तो मैं आपको उधर ले चलता हूँ और दिखाऊंगा सारी व्यवस्थाएं। प्रत्याशी की चुनाव के घोषणा होगी, इस समय जो विजय रहेगा उसको यहाँ पर सर्टिफिकेट दिया जाएगा या चुनाव आयोग द्वारा यहाँ पर ये बनाया गया स्टेज मंच बनाया गया। यहाँ पूर्ण रूप से गर्मी को देखते हुए सारी व्यवस्थाएँ की गई हैं,
कूर लगाया गया है, कुर्सी लगाए, इंतजाम पूरे देश से सारी यहाँ पर व्यवस्था पीछे की गई है और यहाँ सारे अधिकारी यहाँ पर इस समय मौजूद हैं इस समय, और यहाँ तहसीलदार, SDM, जिला कलेक्टर सब बारी बारी यहाँ पर पूरा देख रहे हैं, यहाँ पर परीक्षण कर रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई भी किसी प्रकार की दुर्घटना हो, किसी प्रकार का कोई वाद विवाद ना हो, ये सारे उसके अधिनियम नहीं है। मैं आपको EVM कहाँ रखी है, स्ट्रॉन्ग रूम वहाँ भी ले चलता हूँ, वो दिखाऊंगा मैं आपको कि कैसे इंतज़ाम किए गए वहाँ पर। 17 यहाँ पर जो विधानसभा EVM रखी है, यहाँ ये बनाया गया है यहाँ पर काउंटिंग के लिए, आप मेरे से चीज रखते हैं यहाँ पर मतगणना 16 जहाँ पर मैं प्रत्याशी होगी मतगणना का फैसला होगा, यहाँ पर आप मेरे से आ सकते हैं, अंदर देख सकते हैं, ये यहाँ पूरी गिनती होगी और यह पूरे सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए। EVM 16 ये पूरा बनाया गया है यहाँ पर, पूरा जो सिस्टम पूरा प्रशासनिक अधिकारी द्वारा बनाया गया है ये पूरा यहाँ पर, यहाँ जो ग्वालियर विधानसभा के 16-17 ये पूरा ये सिस्टम भाई उन्होंने बनाया गया है यहाँ पर, जो मतगणना ये आप देख सकते हैं, पूछा यहाँ पूरी काउंटिंग होगी यहाँ पर, काफ़ी अच्छी सुरक्षा की गई है प्रशासन द्वारा यहाँ पर, और जगह जगह ड्यूटी लगाई गई है, और यहाँ पर 16, 17, 15, 14 यहाँ अलग अलग स्ट्रॉन्ग रूम बनाए गए हैं यहाँ पर, जहाँ पर काउंटिंग होगी और यहाँ पर अनाउंसमेंट किया जाएगा। यहाँ पूरा गण सहायक पूरा ये यहाँ माइक्रो ऑब्जर्वर ये पूरी व्यवस्था यहाँ पर ये की गई है यहाँ पर, और यह मतगणना अभिकर्ता जो पीछे बैठेंगे यहाँ पर उनकी व्यवस्था यहाँ पर प्रशासन द्वारा की गई है, और सुरक्षा को लेकर गर्मी का जो तापमान उसको लेकर काफ़ी कूल माहौल है यहाँ पर, कूलर व्यवस्था की गई है, और मतगणना कक्ष दूसरी मंजिल पर है ये पूरी यहाँ व्यवस्था की गई है, ये यहाँ पर ये मेरे से आप देख सकते हैं पूरी मतगणना यहाँ पर की गई है, यहाँ पर ये सारी प्रशासन द्वारा सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं पूरे इस तरह से पूरी, और सबको ट्रेनिंग दी जा रही लगातार आया मतगणना में। यहाँ कल 7 बजे से वोटिंग होनी है और सुरक्षा के पुलिस निर्वाचन आयोग द्वारा जो कलेक्टर महोदय व्यवस्था की गई है यहाँ पर, यह MLBL कॉलेज में पूरा हमने आपको जायजा दिलाया। तो मैं योगेश बिसारिया, कैमरामैन सुनील यादव के साथ MKN नेशनल न्यूज़ ग्वालियर।